तो प्लानिटरी कर्मा जो होता है इसको, ये बहुत हार्ड कर्मा होता है, इसलिए इसको निकालने के लिए बहुत बड़े मास की ज़रूरत होती है, और कुछ बहुत सारी जनरेशंस करती रहती है उस पर काम, तब कहीं जाके वो चीज़ वहाँ से रिजॉल्व हो पाती है। मतलब वैसे तो मतलब 50-50 समझो, तो जब तक कि कोई चीज़ 51% पॉपुलेशन फॉलो करने लग जाए तो समझ जाओ कि अब ये प्लानिटरी कर्मा लगभग रिजॉल्व हो गया है। वो ये बहुत बड़ा काम होता है। जैसे एजुकेशन, आप गर्ल एजुकेशन की बात देख लो, आज भी अगर दुनिया में देखो कि गर्ल एजुकेशन कितनी है, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, बट 50% से तो कम ही होगा, 20-30% होगा। तो अभी भी इस पे एजुकेशन पे काम करना बहुत बाकी है। इस तरह की चीज़ें जब तक 51 या उससे ज़्यादा परसेंट पॉपुलेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ अच्छी गुड कर्मा को फॉलो नहीं कर रही, तब तक वो प्लानिटरी कर्मा रिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको इतना मतलब अच्छी चीज़ों में सहयोग करो, बुरी चीज़ों को आप ना करो। बुरी चीज़ों में सहयोग ना करो, बुरी चीज़ों को बढ़ावा ना दो, अच्छी चीज़ों को दो, तो कम से कम आप प्लेनेटरी कर्मा रिजॉल्व करने में अपना मदद करोगे। और नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, अलग अलग तरह के ज्वालामुखी फट रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, प्लैटोनिक शिफ्ट हो रही हैं, तो ये सारा हैवी कर्मा इस तरीके से निकलेगा तो है ही है कर्मा किसी न किसी तरीके, ऐसे नहीं निकलेगा तो ऐसे निकलेगा, निकलेगा तो है ही है, राइट। आज से 200-300 साल पहले की पीढ़ियों के, आप 2000 साल पहले, मैंने कहा ना आपको 2000 साल पहले क्या घटना घटी थी, आपको पता है, क्रूसीफिकेशन ऑफ क्राइस्ट, भगवान मतलब क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था। क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई किया गया था वो क्या था, नार्सिसिज्म ही तो था। वो क्या था, वहाँ पर मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, नार्सिसिज्म था, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी थी वहाँ के गवर्नमेंट सिस्टम में, उस समय के लोगों में, यही तो था। कोई भी फिलोसोफर्स वगैरह होते थे, ग्रीक वगैरह, फिलोसोफर्स को मार दिया जाता था, कोई लोगों को जगाने का काम कर उनको मार दिया जाता था। अगर लेडीज़ अगर कोई अच्छा काम कर रही है लोगों की जगह, तो विच बोल देते थे उनको, डायन कह के, आज भी होता है, डायन कह के मार देते उनको। जो लोग सत्य की खोज में जा रहे हैं, सत्य लोगों के सामने जा रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता था, मरवा दिया जाता था। ये सारा जो प्लेनेटरी कर्मा इकट्ठा हुआ है उसका रिजॉल्व का समय अब आया है। अब अगर आप देखोगे तो पहले उस समय में मीडिया का पावर कितने कम लोगों, केवल गवर्नमेंट को कोई न्यूज़ देनी तो ही आती है। आज हम भी देखो 25-30 साल पहले क्या होता था, 8:40 पे न्यूज़ आती थी 20 मिनट की, जो गवर्नमेंट जो लाइनें अप्रूव करेगी वही न्यूज़ बोली जाएगी। असलियत क्या है वो किसी के सामने नहीं आ रही, न्यूज़पेपर खरीदे हुए थे। लेकिन आज की तारीख में क्या, इतने प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं कि आप कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते, सत्य बाहर आएगा। इतना यूट्यूब पर इतना वो हो चुका है, इंडिविजुअल एक एक पर्सन अपना अपना ट्रुथ बोल रहा है, जिसको जो भी नॉलेज है वो सत्य को बाहर ला रहा है। तो इस समय में मतलब नार्सिसिस्टिक लोगों का कंट्रोल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लोगों की डिपेंडेंसी खत्म होती जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग है ना सत्य की खोज में जाग रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप देखो कि नासा की कुछ खोज आती तो उसमें लोग अंदर अपने अपनी सर्चेस खुद कर रहे हैं, खुद इतने एजुकेटेड हो चुके हैं, खुद मतलब इंफॉर्मेशन को गैदर करना कि क्या सही है, एकदम से किसी की बात पे भरोसा भी नहीं करते, अपना खुद का दिमाग लगाते हैं आजकल के समय में लोग, कि भाई क्या चीज़ उनको गुमराह करने के लिए की जा रही, कि सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लाइक दैट। और लोग अब आप देखोगे अभी के समय में ना, लोग अपनी इंट्यूशन पे ज़्यादा, ये वापस आ रहा है, इंट्यूशन पे भरोसा कर रहे हैं, थोड़ा ही एक्टिवेशन करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, लोगों के अंदर ये अवेकनिंग आ रही है कि हम एक मैट्रिक्स में हैं, हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है, और मूवीज़ के द्वारा हमको कंट्रोल किया जा सकता है, न्यूज़पेपर के द्वारा हमको कंट्रोल किया जा सकता है, न्यूज़ के द्वारा हमको कंट्रोल किया जा सकता है, इंटरनेट पे इतनी जो जानकारी है तो कौन सी गलत है, कौन सी सही, डिसर्नमेंट यूज़ कर रही है। आज के समय में जनता अपना डिसर्नमेंट यूज़ कर रही है, यही प्लैनेट चाहता है, यही गाया चाहती, यही प्लैनेटरी कर्मा है जो रिजॉल्व हो रहा है इस समय पे। पहले के समय में अगर लोगों के पास कुछ सच आता था ना, तो वो उसको छुपा के रखते थे, कोई रहस्य की बात आ गई, कोई अच्छी चीज़, तो नॉलेज को छुपा लेते थे, आम जनता को नहीं बताते। अब आम जनता को बहुत कुछ अवेलेबल है जो पहले अवेलेबल नहीं था। आज हमको कोई बात पता चली, मुझे अपने मेडिटेशन में कोई बात पता चलेगी, तो मेरी इच्छा ये रहेगी कि मैं आप लोगों को बताऊँ, ये नहीं कि छुपा लूँ, अच्छा ये मुझे पता चल गया, इनको नहीं बताऊँगी, इसका उपयोग करूँगी, अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करूँ। पहले ये होने लग गया था प्लैनेटरी कर्मा, इजिप्शियन जो कर्मा था वो ये था कि लोगों को बहुत सारी हिडन नॉलेज थी, बहुत मिस्टिक नॉलेज थी, लेकिन उसका इस्तेमाल मुट्ठी भर लोग करते थे बाकी सब लोगों को गुलाम बनाने में। तो ये बहुत बड़ा प्लैनेटरी कर्मा इकट्ठा हुआ कि सत्य का इस्तेमाल फ़ायदे के लिए किया गया, सत्य का मास मासे से सत्य को छुपाया गया,
ये प्लैनेटरी कर्मा है, इसको भी इस समय में ये रिजॉल्व हो रहा है कि जो हिडन ट्रुथ्स हैं वो सामने आ रहे हैं, एंशियंट ट्रुथ सामने आ रहे हैं, टॉप सीक्रेट मटेरियल जो पहले अवेलेबल नहीं होते थे अब वो आ रहे हैं। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आज से थोड़ी बहुत पहले से, लेकिन इसको छुपा के रखा गया था, लेकिन इसको अब सामने लाया जा रहा है। एलियन एलियंस के साथ जो इंटरेक्शंस हो रही हैं वो पहले छुपा के रखी जाती थी, अब लोग खुद आके यूट्यूब वगैरह पर आके खुद बता रहे हैं कि उनके एलियन इंटरेक्शंस हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो सत्यता अपने आप को व्यक्त कर रही है ऑटोमेटिकली, जो इतने सालों सत्य को प्लैनेट अर्थ पर छुपा कर रखा गया, दबा के रखा गया था, अब वो सत्य ऑटोमेटिकली उजागर हो रहा है। ये भी एक प्लैनेटरी कर्मा है जो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है।